हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज मैं फिर आप लोगों के लिए किचन का हॉल लेके आई हूँ। ये किचन का हॉल थोड़ा सा लेट आ रहा है, आगे मैं इसको ट्यूसडे डालती हूँ, आज मैं इसको थर्सडे डाल रही हूँ, लेकिन मैंने अब आगे पीछे शेड्यूल कर दिया था क्योंकि कुछ आइटम्स आपकी पहले आई नहीं थी। और इस हॉल में मैंने रैक्स भी ऐड की हैं क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया था कि हमें रैक वगैरह दिखाओ, तो मैं हर हॉल में रैक ऐड करती ही करती हूँ। अभी मैं डेफिनेटली ऐड करा ही करूंगी, कभी भूलूंगी नहीं, और साथ में कंटेनर भी ऐड किए हैं। और मेरे को एक कमेंट आया था कि आप लोगों को फेक प्लांट्स भी देखने हैं, तो मेरे को ये पहले भी कमेंट आया था, सॉरी कि मैं उस टाइम नहीं ऐड कर पाई, लेकिन अभी मैं इस जो ये आपने डिमांड किया है इसको भी मैं जरूर पूरा करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हम अपना आज का हॉल स्टार्ट। आज का हमारा पहला बॉक्स है आया हमारे पास, वो आया है ये वाला। ये बहुत ही अच्छे से इनकी पैकिंग की हुई थी और बहुत ही अच्छे से मतलब पैक होके आया है, कहीं से कोई मेरे को ब्रेकर वगैरह नहीं मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मीशो ने अच्छी पैकिंग करके भेजी है। और ऐसे करके ये सारे कंटेनर्स पैक हैं, आपको प्रॉपर इनके अंदर रैपअप मिलेगा, और इसका जो आप बाद में इसको ओपन करोगे इसके अंदर आपको ऐसे एक बॉक्स मिल रहा है। इनका जो मेंशन किया है वो बोरोसिल कैट करके जार मेंशन किया गया है, जो कि मेरे को तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इनकी। आपको दिखाती हूँ मैं, सी ग्लास की क्वालिटी देखो, आपको मतलब खुद समझ आएगा, देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और जो इनकी लिड है प्रॉपर इसके वुडन के बने हुए हैं, इनकी क्वालिटी और इनका फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और ये पूरे एयर टाइट हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर आपकी कोई सीलन वगैरह नहीं जाएगी। और जो इनकी क्वांटिटी है, इनके अंदर 1 लीटर आप सामान डाल सकते हो। और जो मैंने इनकी कॉस्ट भी पे की है, मैंने इसकी कॉस्ट 819 पे की है, और जो मेरे को ये रिसीव हुआ है सेट ऑफ 4 मेरे को ये रिसीव हुआ है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी। अगर आपके किचन में ज़रूरत है तो आप इसको जरूर ऐड करें, बहुत है हमारी नेक्स्ट आइटम। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइटम है आपके किचन के लिए। प्लास्टिक का कंटेनर मंगवाया मैंने और ये सेट ऑफ 6 में आया है। ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी आइटम। जैसे ना हमारे किचन की फ्रिज में आपको कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी है, तो उसके लिए मेरे को ये काफ़ी अच्छा खासा लगा। इसकी मैं आपको जैसे आपने कोई चॉपिंग वगैरह करके वेजिटेबल्स को रखना है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी खाना बना के डालना है, कुछ मतलब फिश वगैरह रखनी है, आप नॉनवेज खाते हो, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर इसका आपको लिड मिल रहा है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, और इसके नीचे ना आपको ऐसे एक जाली मिल रही है, नेट मिल रही है, जो कि आपको ड्रेनिंग में काम आएगी। इसके नीचे हल्का हल्के से ना ऐसे होल्डर्स लगे हुए हैं, आप इनको रखोगे तो बिल्कुल साथ में चिपकता नहीं है। अगर आपका वाटर आपकी किसी सब्जी में रहता है तो वो नीचे ड्रेन हो जाएगा, तो उसके लिए काफी अच्छा है। और आपके किचन को और उसको फ्रिज को काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज रखता है ये। फ्रिज में आपके बिल्कुल भी ऐसे रश आउट नहीं होता कि आपका सारा सामान इधर बिखरा हुआ है, उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। 280 में मैंने सेट ऑफ 6 का लिया ये, तो काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप अपने फ्रिज के लिए ले। हमारी नेक्स्ट आइटम है वो है ये ऑयल डिस्पेंसर। इसकी मेन बात ये है कि इसके साथ आपको ना ब्रश भी मिलेगा, आपको मैं दिखाती हूँ। ये सी ये ना ग्लास का है, प्लास्टिक का नहीं है, इसके अंदर आप अपना ऑयल वगैरह डाल सकते हो, और आपको साथ में ना ऐसे ब्रश मिलेगा। अगर आप जैसे घर पे परांठी वगैरह बनाते हो ना, आपको अलग से कुछ स्पून वगैरह लेना पड़ता है, या ऐसे ऑयल आप कंटेनर वगैरह में या छोटे कटोरी वगैरह में डाल के रखते हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आप इसके अंदर ऑयल डालो और इसको ना आप ऐसे प्रेस कर रहे हो ना, प्रॉपर अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे ही प्रेस हो रहा है और आपका प्रॉपर इसके ऊपर ऑयल लग जाएगा। आपने परांठे के ऊपर आप इसी के साथ स्प्रेड कर सकते हो, मेरे हिसाब से इसके साथ ऑयल भी आपके परांठे पर कम लगेगा, जो कि परांठा बन जाएगा। तो ये काफी यूजफुल सी आइटम है, और मतलब अगर आपको ज्यादा ऑयल निकालना है तो यहाँ पे एक छोटा सा होल है, आप इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हो। और जो मैंने इसकी कॉस्ट भी पे की है, मैंने इसकी कॉस्ट 189 पे किया है, इसके हिसाब से मेरे को ये काफी अच्छा लगा। और लिड की क्वालिटी वगैरह सब काफी अच्छा है, ये लिड आपको प्लास्टिक का मिलेगा, बाकी इसका ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉपर ग्लास का है, तो आप इसको भी ले सकते हो काफी। हमारी नेक्स्ट आइटम है वो फिर से मैंने एक ऑयल डिस्पेंसर लिया है, और पर इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको 1 लीटर की मिलेगी, और इसका जो मटेरियल है वो भी प्लास्टिक का है। तो कुछ लोगों को घर में ना कांच का बर्तन रखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि गिर जाएगा, टूट जाएगा, जब घर पे बच्चे होते हैं तो उनके लिए प्लास्टिक का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया हुआ है 100, 200, 300 कि आपका कितना इसके अंदर ऑयल है, आपको वहाँ बाहर से पता चल जाएगा। और देखने में इसकी क्वालिटी तो प्लास्टिक की काफ़ी अच्छी लग रही है, ऊपर आपको प्रॉपर ऐसे लिड मिलेगा जो कि प्लास्टिक का ही है, मतलब लिड भी प्रॉपर अच्छे से खुल रहा है, कोई अड़कना वगैरह नहीं है, मतलब जैसे ऐसे खोलने में अगर दिक्कत होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रॉपर आपको आगे से ऐसे ओपन करने के लिए, ऑयल ऐसे निकालने के लिए मिलेगा।
प्रॉपर तरीके से बंद भी होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्वालिटी बेकार है, क्वालिटी मेरे को इसकी काफी अच्छी लगी। और जो मैंने इसका कॉस्ट भी पे किया, ओनली 87 रुपीज इसका मैंने कॉस्ट पे किया। इस हिसाब से आपका पूरा, अगर आप 1 लीटर की बॉटल लेके आते हो, पूरा पूरा ऑयल एक बार में इसमें डल जाएगा, तो इसके लिए मेरे को काफी अच्छा लगा, तो इसलिए मेरे आइटम को। जो हमारी नेक्स्ट आइटम है वो है एक चॉपिंग बोर्ड। आप लोग ना गाइज, आपके किचन में चॉपिंग बोर्ड तो होते ही होंगे, जैसे आप लोग वुडन के भी यूज करते हो और प्लास्टिक के भी यूज करते हो। पहली बात तो क्लियर, उनके ऊपर स्पेस होती है क्योंकि कम होती है, आप एक टाइम पे बहुत सारे वेजिटेबल्स उनके ऊपर नहीं काट पाते हो। दूसरी बात, आप चॉपर के ऊपर काम कर रहे हो तो उसको आपको बार बार सेल्फ से इधर उधर हटाना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हो। अपना अगर आप लोग को चपाती बनानी है, डो लगाना है, तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हो। और अपने किचन के ऊपर अगर गैस के ऊपर आपकी कोई आइटम बन रही है ना, तो आप उसको भी डायरेक्ट इसके ऊपर उतार सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो ये आपका किचन का काम काफी इजी कर देता है। आपको बार बार चॉपर बोर्ड हटाने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता है, ये इसकी मेन बात है। और इसके ऊपर अगर आप कोई बर्तन रखोगे भी तो हिले डुलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्लिम सा बना हुआ है, तो ये शार्प एजेस मिलेंगे। इसके एजेस भी प्रॉपर राउंड है, तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी खासी मेरे को ये लग रहा है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने किचन के लिए कर रहे हो। आपका किचन थोड़ा इससे क्लीन भी रहेगा क्योंकि चॉपिंग बोर्ड का साइज भी अच्छा है, और ये तो मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ले लिया। और जो मैंने इसकी कॉस्ट पे किया, 550 मैंने इसकी कॉस्ट पे किया, लेकिन इतना है कि ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो काफी अच्छा है। आप लोग नेक्स्ट आइटम है वो है ये मैट। देखने में आपको ये भी एक नॉर्मल सा मैट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रॉपर सिलिकॉन का बना हुआ है और इसका यूज है जो हमारे किचन में है। जैसे किचन में हम अपने बर्तन वगैरह वॉश करके रखते हैं तो उससे क्या होता है, प्रॉपर ऐसे वाटर निकलता रहता है तो पूरी सेल्फ में फैल जाता है वो, तो उसके लिए काफी अच्छा है। आप इसको अपने अपने सिंक के पास बिछा सकते हो और इसके ऊपर अपने अपने प्रॉपर अपने बर्तन इसके ऊपर लगाओ, पूरा का पूरा पानी ये अपने अंदर ही सोख लेगा, तो बिल्कुल भी पानी बाहर इधर उधर नहीं जाने देगा। बहुत अच्छा मैट है ये, मैंने इसको यूज करके देखा है, ये अच्छे से काम कर रहा है और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, ओनली 187 इसकी कॉस्ट है। इस कॉस्ट में आपके किचन के लिए मस्ट बाइंग चीज है, तो आप इसको लेके ट्राई करके देखो, आपका आधा काम तो ये इजी कर। जो हमारी नेक्स्ट आइटम है वो है ये स्टील की डस्टबिन होल्डर, जो कि मेरे को लग रहा है हमारे किचन के लिए तो काफी यूजफुल है, इवन कि आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं तो हम डस्टबिन के लिए बार बार अपना डोर कोई भी रैक वगैरह ओपन करते हैं तो हमें अंदर जाके उसको अपना गार्बेज डालना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं ऐसा है। आप इसको अपने डोर के साइड पे ऐसे होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पिंस लग जाएंगे, आप यहाँ से उसको अटैच कर लेना और इसके अंदर डस्टबिन डालना। जैसे आप अपना डोर ओपन करोगे साथ में डस्टबिन भी बाहर आ जाएगा, आपको हाथ अंदर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे को ये काफी यूजफुल आइटम लग रही है और ये बड़ा भी प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मेरे को लग रहा है ये किचन में तो खास करके यूज करना ही चाहिए, आप कहीं और यूज करो ना करो, क्योंकि काफी मतलब सफाई से सारा काम हो जाता है। और जो इसकी मैंने कॉस्ट पे किया, ओनली 250 मैंने इसकी कॉस्ट पे किया, इसकी क्वालिटी के हिसाब से ये काफी अच्छी आइटम है, तो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है वो है ये वाली, आप इसको रैक भी बोल सकते हो और एक अच्छी खासी बास्केट भी बोल सकते हो, और इसके अंदर आप अपने फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हो। अच्छी आइटम है, सुंदर लगेगी और मेरे को लग रहा है कि एज ए डिकोर पीस भी ये काफी अच्छी है, और इसको अपने डाइनिंग टेबल पे भी सजा सकते हो। इसके अंदर अगर आप फ्रूट्स वगैरह नहीं रखना चाहते तो इसके अलावा जैसे आपको डाइनिंग पे कुछ चीजें रखनी होती हैं तो वो इनके अंदर आप प्रॉपर कंटेनर्स के अंदर डालकर रख सकते हो। ऊपर फ्रूट्स रख लो, नीचे कुछ ऐसी आइटम रख लो, डाइनिंग एरिया पे कहीं पे भी साइड में अगर इस बास्केट को रखोगे, इसके अंदर फ्रूट्स रखोगे, काफी ज्यादा स्मार्ट पीस लगेगा और एक डेकोरेशन पीस की तरह ये दिखेगा। क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी बेकार है, काफी अच्छा खासा रैक है ये। और जो मैंने इसकी प्राइस पे की है इसके लिए वो है 550, मेरे को 550 की कॉस्ट बिल्कुल सही लग रही है इसके लिए, क्योंकि क्वालिटी मस्त है। नेक्स्ट आइटम है वो है ये वाली, ये इसको तवा जाली कुछ लिखा हुआ है तो वैसा ही कुछ है, इसके ऊपर प्रॉपर ऐसे आपको स्टेनलेस स्टील का ही नेट मिल रहा है, बहुत सुंदर सी स्टील की आइटम है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर आप लोग जैसे घर पे रोटी बना रही हो तो रोटी बनाने के लिए भी ये आपके काम आएगा, अगर आपको कोई आइटम ग्रिल करनी है तो उसके लिए भी मस्ट बाय है ये, क्योंकि आपकी कोई भी आइटम इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिल हो जाएगी। और अगर आपने घर पे पापड़ वगैरह सेकते हो, डायरेक्ट आपको गैस की आंच में नहीं रखनी है, तो इसके ऊपर आप रख सकते हो, थोड़ी मतलब कि इसे सेफ रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप लोग जैसे कोई लोग बैंगन का भरता खाते हैं तो आप प्रॉपर इसके ऊपर अपना बैंगन वगैरह रोस्ट कर सकते हो, तो मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि आपके कोई भी आइटम डायरेक्ट गैस की आंच में नहीं जा रही है, तो उसके लिए ये मस्ट बाय लगी मेरे को आइटम, तो अच्छी आइटम है। तो इसकी कॉस्ट मैंने पे किया, 240 मैंने इसकी कॉस्ट पे किया है,
तो आप लोग ले सकते हो। ये नेक्स्ट आइटम है वो देखो, इसकी पैकिंग काफी अच्छे से आई थी ताकि कुछ भी चीज ब्रेक ना हो। इसमें आपको मिले हैं पेपर और सॉल्ट के लिए दो छोटे छोटे से शेकर जो कि काफी सुंदर लग रहे थे मेरे को, और इसीलिए मैंने इनको मंगवाया था। आपको मैं दिखाती हूँ, ये सेरामिक के बने हुए हैं और इनकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी भी अच्छी है और देखने में भी सुंदर से लग रहे हैं। आप अपने डाइनिंग टेबल पे या कहीं पे भी साइड पे रखोगे तो ये एक ऐसी आइटम डेकोर वाली लग ही रही है, लेकिन साथ में ये काफी अच्छी खासी इसकी क्वालिटी है। नीचे से आपको ऐसे लिड मिलेगा, लिड जो वो प्लास्टिक है, आप इसको निकाल के यहाँ से अपना नमक वगैरह डाल सकते हो, और ऊपर से आपको ऐसे दो होल मिल रहे हैं जहाँ से आप इनको प्रॉपर शेक कर सकते हो। तो मेरे को ये काफ़ी सुंदर सी आइटम लगी, ताकि मेरे को डेकोर पीस भी मिल जाए और साथ में इनका अच्छे से यूज भी हो जाए, और इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, ऑनली 115 की कॉस्ट है। 150 की कॉस्ट में मस्ट बाय। नेक्स्ट आइटम है वो है ये किचन का रैक। मेरे को ना ये बार बार मेरे सामने आ रहा था, तो मैंने इसीलिए इसको मंगवा लिया कि देखूँ ये आएगा कैसा। प्लास्टिक की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर आपको प्रॉपर प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए जगह मिल जाएगी, और बाकी का आप किचन का बर्तन वहां पे रख सकते हो। साइड पे आपको ऐसे एक होल्डर मिल रहा है जिसके अंदर अपने स्पून और जो भी रखना है आप रख सकते हो, इसको आप साइड पे लगा दो। से नीचे आपको ऐसे एक ट्रे मिल रही है, जो पानी वगैरह इसमें रहेगा तो वहां से ऐसे ड्रेन होता रहेगा और साइड से यहाँ से बाहर जाता रहेगा। आइटम तो काफी प्यारी है, अगर आप घर में एक दो मेंबर हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये मेरे को थोड़ा साइज इसका कम लगा, पर प्लास्टिक क्वालिटी बाकी अच्छी खासी। अगर साइज भी थोड़ा और अच्छा होता तो मेरे को काफी अच्छा लगना था। और जो मैंने इसकी कॉस्ट पे किया 325 मैंने इसकी कॉस्ट पे किया, तो मेरे को उसमें लग रहा है कि मार्केट से तो मेरे को फिर भी सस्ता मिल गया। अगर आप लोगों को जरूरत है इसको घर पे तो आप इसको भी ले सकते हो, प्लास्टिक का कोई इशू नहीं है, थोड़ा साइज का इशू है। साइज भी अगर दो तीन मेंबर हो घर पे तो यूज कर। हमारी नेक्स्ट आइटम है ये, फिर से मैंने एक ऐसे तवा जाली मंगवाई है। इसका मेरे को ना यहाँ पे वुडन का हैंडल मिल रहा था और कॉस्ट कम मिल रही थी, इसलिए मैंने इसको भी मंगवा लिया। इसके साथ आपको ऐसे स्पैचुला और ये ब्रश वगैरह साथ में आया है, तो ये हमारे लिए एक बोनस पॉइंट है। तो इसके साथ जो ये मिला ना, तो ये तो मेरे को सच्ची में लग रहा है कि आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम तवे पे रोटी भी सेक रहे हैं तो इसके बाद नीचे हम रोटी जो सेकते हैं ना, मेरे को लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं सेकना चाहिए। तो उसके लिए अच्छी है, आप इसके ऊपर रखो अपना फुल्का, अच्छे से इसके ऊपर सेक सकते हो, तो उसके लिए काफी अच्छी खासी है ये। और इसकी जो मटेरियल है वो भी अच्छा है, स्टील का इसका मटेरियल है। आपको साथ में पकड़ने के लिए वुडन का हैंडल मिल जाएगा, मस्ट बाय थिंग लगती है मेरे को ये। और कोई भी आइटम अगर आपको रोस्ट भी करनी है तो इसके ऊपर हो जाएगा, आपको प्रॉपर ग्रिल होके आ जाएगी, और पापड़ वगैरह भी इसके ऊपर आप सेक सकते हो। और जो मैंने इसकी कॉस्ट पे किया ऑनली 127 इसके लिए कॉस्ट पे किया, साथ में आपको स्पैचुला ब्रश तो मिल रहे हैं, तो इसके लिए परचेज करो। हमारी नेक्स्ट आइटम है ये, मैंने पहले भी मंगवाई थी लेकिन वो प्लास्टिक की थी, आज मेरे को स्टील की दिखी तो मैंने सोचा आपको लोगों को ये भी दिखा दूं। तो इसके साथ अलग से कोई और जाली वगैरह नहीं मिली है, आपको जो मिल रही है इसके अंदर ही लगी हुई है, प्रॉपर स्टील की है, और इसके अंदर आपको 250 ग्राम इसके ऊपर आप आटा इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर भी वैसे ही आप अपना मतलब कि जो भी आटा वगैरह इसके अंदर डालो तो प्रॉपर इसको ऐसे ही प्रेस करते रहो, सी ऐसे प्रेस करते रहो हो जाएगा। लेकिन फिर मैं इसको बोलूंगी थोड़ा सा ना, ये मेरे को लग रहा आते आते थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया है, सी इसकी थोड़ी सी यहाँ से टेढ़ा होने की वजह से। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, तो आप लोग अगर घर में कम मेंबर हो तो उसके में ही ये यूज होएगा, क्योंकि ज्यादा आटा एक बार में आप इसमें छान नहीं पाओगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर किसी चीज के लिए जरूरत है तो उसके लिए काफी अच्छी आइटम है, क्योंकि मैसअप भी नहीं होएगा, आप प्रॉपर इसी से आटा निकाल भी सकते हो। और कॉस्ट भी इसकी ज्यादा नहीं है, ओनली 210 में इसके लिए कॉस्ट पे किया है, तो ले सकते हो। जो हमारा राखी का फेस्टिवल आने वाला है तो उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से क्लॉथ ये फाइंड करके रखे हैं, तो मैं उसका शूट आपके लिए जल्दी ही डालूंगी, और इंस्टाग्राम पे तो मैं डालती रहती हूँ, वहां के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो के लिए लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगी। आप मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।